लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर घुमाने लेकर गया, लड़की बारिश देखकर पागल हो गई, जिद कर रही है मुझे घोड़े ऊंट हाथी की सैर करनी है। लड़का ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? ये सिचुएशन है, इसमें तुम इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो सारी चीजें। एक्चुअल सिचुएशन ये कि तुम लोग बाहर गए हो अपनी घूमने के लिए, बारिश हो गई है और वो बारिश को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि उसको घोड़े ऊंट हाथी की सैर करनी है। लड़का कह रहा है ये क्या बच्चों की तरह बात कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आइए जल्दी से चले भाई, टिकटॉकर्स की बारी है, 60 सेकंड इनके पास, एक्टिंग के हैं पूरे 3 पॉइंट्स, देखते हैं सबसे बेहतर एक्टिंग या कौन सी टीम करती है। रेडी माइक दो जल्दी से। बाहर आएंगे और बारिश होगी, पहले आप लोग ऐसे टहलने निकले हुए हैं, बारिश होगी अचानक, देखिएगा अप्पी कैसी बारिश करता है। अप्पी कैसे हाथी हाथी, आप चाहे तो एक के बाद एक सब पे बैठ जाए बेटे। रेडी गो। क्या मौसम है, मुझे साथ में मजा ही आता है, जब भी मैं किसी के साथ होता हूँ उसको मजा ही आता है। मतलब जाहिर सी बात है ये। आजा मेरे भाई घोड़े पे बैठ जा, आजा मेरे भाई। बारिश कैसे हो रही है, ऊपर से ही होती है बारिश, नीचे से तो नहीं है। घोड़े पे बैठ जाओ, हाथी की सैर करनी है। वो हाथी थोड़ी, वो वेस्पा के मुंह जैसा मुंह है। चल भाई साइड में बैठिया, क्या करा दे, एक तो बारिश हो रही है, ये कौन सी बच्चों वाली हरकत करी है बारिश में, ये पल्ला मछली की तरह बाल कैसे बनाए। मैं बाजी आओ ऊंट पे बैठ जाओ बाजी, बड़ी जबरदस्त सवारी देगा बाजी। मुझे ऊंट की सवारी करनी है। की सवारी नहीं करनी कोई, अरे बिठा दो बाजी को भाई, मैं बच्ची ही हूं। क्या करा दे, रोटी बनाने की उम्र है भैया, ऊंट पे क्या बैठ रही हो? तो ये छोटे होने से छोटी नहीं हो जाती? अबे ओ लंगूर बिठा देना, अबे जाना ऐसे यार क्या है, बहुत अच्छा जैसे यार। हां भाई नेक्स्ट कौन था, चैंपियंस है इंस्टाग्रामर। दो लड़के आपस में लड़ते हुए, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तू अपनी शक्ल देख वो तुझसे नफरत करती है, इसको दुल्हन मैं बनाऊंगा, तू उसकी शादी में वेटर बनेगा, तमीज से बात कर, थोड़ी देर में लड़की आ जाएगी, तुम बताओ किससे प्यार करती हो? आखिर में लड़की फंस जाएगी, दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी है, तुम एंड में आओगी। एक्चुअल सिचुएशन दो लड़कों की आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो मुझसे प्यार करती है, दोनों को कन्फर्म है तुम दोनों से प्यार करती है, वो एंड में आएगी बोलेगी, बल्कि वो तीसरे किसी के साथ आ रही होगी कि आप दोनों से शादी नहीं करनी। आए जल्दी से, चलो भाई एक मिनट है तुम लोगों के पास, माइक ऊपर रख के बात करना, माइक लाओ माइक लाओ। चलो रेडी अब्दुल बासित, रेडी इमरान, हेलो हेलो, चलो आ रही आवाज आ रही है, माइक ऊपर रख के बात करना, आमने सामने से ये आ गए दोनों, रेडी गो। अबे वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तू बिना वजह उसके चक्करों में पड़ा है, छोड़ दे। अबे निकल, मैं हीरो हूँ ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन नहीं, चप्पल जोड़ने वाली सुलोशन लग रहा है मुझे। ऋतिक रोशन, वो मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं, चले यहाँ से। अबे निकल, मैं हीरो हूँ वहीद मुराद। अबे यहाँ से वरीद मुराद और यहाँ से ना मुराद लग रहा है तू मुझे। अबे निकलो मिर्चों वाली केक रस। अबे ओ नाड़े बेचने वाले, इंसान का बच्चा बनना उसका पिया छोड़ दे। और तुझे मैं बता रहा हूँ, तेरे मेरी बात सुन, अपनी हाइट देख उसकी हाइट देख, चलते हो बाप बेटी लग रहे होगे। मेरे बिल्कुल अच्छा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, प्याले में दूध पी लेता है तू? हाँ पी लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता भी पी लेता है। इंसान का बच्चा बन, कहाँ है नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई है अभी तक, क्यों नहीं आ रही, कहाँ रह गई? वो मुझसे प्यार करती है, तू क्यों वेट कर रहा है? अबे मैं वेट कर रहा हूँ, मुझसे प्यार करती है वो, और तेरा तेरा कोई चक्कर ही नहीं उसके साथ। मुझसे ही प्यार करती है? मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं ना सर क्या हो गया इसको देख के, डर क्यों गई, क्यों डर गई इसको देख के, ऐसी चीजें देख के अस्तगफार पड़ा करो सर तुम। तू कौन है भाई, निकल, ये जंगी नहीं ये, और बालों वाली कंगी लग रहा है तू, कहां से आ गया साथ में, खत्म हो गया भाई, कल खत्म हो गया था। अच्छा वो कवर करने के लिए बोले, आजकल कहां ला भाई जल्दी से, बारी है चैंपियंस की। एक लड़का करोड़ों रुपए की बातें कर रहा है, मेरे बाप के ख्वाब हैं कि वो पानी के जहाज बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे, लड़का दरअसल बहन और भाई को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अभी तो मेरा पकौड़ों का कारोबार है मगर इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। एक लड़का करोड़ों रुपए की बातें कर रहा है, मेरे बाप के ख्वाब हैं कि वो अपनी कि वो पानी के जहाज बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, सही है, उसके बाप के ख्वाब हैं कि वो ये खरीदे, लड़का दरअसल अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बहन भाई निकाल दो, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो मेरा पकौड़ों का कारोबार है मगर इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आओ जल्दी से, चलो भाई बारी है चैंपियंस की, रेडी
गो गाइस। मीर तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ? यार मैं तो अभी लंदन जा रहा हूँ, वैसे अपने पकोड़े वाले दोस्त से तो मिले, कैसे हो तुम? गरीब दोस्तों बैठो यार, तुमको बताता हूँ यार, तुम पकोड़े नहीं लाए हमारे लिए। एक सेकंड, करोला आटा ना? हाँ करोला वाला आटा, पकोड़े तो बना, एक दिन लूंगा, पहले पकोड़े तो बना। अरे पकोड़े पकोड़े छोड़, मेरे अब्बू ने बोला है कि तू एक दिन जहाज उड़ाएगा, मैं पायलट बनूंगा। तुमने कहा था हम दोनों के लिए चटनी के साथ पकोड़े लेकर आओगे, कहाँ है वो पकोड़े? हमेशा गरीब सोच वाली बात करोगी, मैं पानी का जहाज भी लूंगा और बंगला गाड़ी सब लूंगा एक दिन। यार तुम लोग, तुम देखते हो अभी तो पकोड़ों का कारोबार, बाद में भी यार सोच तो इंसान को अच्छी रखनी चाहिए ना यार, कि बंदा अच्छी अच्छी चीजें लेगा तो मैं तेरे को भी अच्छी अच्छी चीजें दूंगा, तो अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। मेरे को कश्ती डुबानी थोड़ी है यार, कश्ती में मुझे बिठाएगा, मैं जहाज में बैठ जाना, मेरे साथ वैसे ही कंबल लेके बैठा रहता हूं जहाज में। बात तो सुन, तू अपना जो तू बंगला लेगा उसमें हम दोनों को दो दो कमरे देंगे। बंगला ऊपर से दो लोग लाया कंगला, अबे ऐसा नहीं लाना पड़ेगा, मैं लूंगा सारी चीजें लूंगा, तुम लोग को भी रखूंगा गार्ड वगैरह सफाई वफाई के लिए रखूंगा। अरे हो गया अपने, मगर फिर भी मैं अमीर बन जाऊंगा। चलो भाई बारी है यूट्यूबर्स की, गौर से सुनना। शोहर दांतों का डॉक्टर है, आधी रात में वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। रानी कहाँ हो तुम, इतने अरसे में याद आई है मेरी, ये बताओ घूमने कहाँ जाना है? थोड़ी देर में बेगम आ जाएंगी और वो उनकी बातें सुन लेंगी। शोहर एकदम, बेटा बेटा दांत में कहाँ दर्द है, दांत में तो कीड़ा लगा हुआ है, एकदम से बात पलट देगा। वो डॉक्टर है, हस्बैंड बात कर रहा है रात में रानी से, एकदम से वाइफ आ जाएगी और वो आके देख लेगी तो वो एकदम से बात पलट के बोल देगा जैसे वो किसी पेशेंट से बात कर रहा है। आओ जल्दी से, कौन आ रहा है? एक मिनट है यूट्यूबर्स के पास, जल्दी 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 गाइस, चलो भाई रेडी गो गाइस। अरे रानी आज ब्लू है पानी पानी, कितने दिन हो गए तुमने बात नहीं की मुझसे जानी। बस ये कि तुम्हारे इंतजार में, मतलब HD में प्यारी लग रही हो, बताए तुम माशाल्लाह से VIP। हाँ खाना तो मैंने खा लिया, टिक्के खाए थे दुल्हे में, लाल लेग पीस, हाँ जूसी, हाँ। अरे क्यों, उसके तो दांत में कीड़े, ऐसे थोड़ी बर्बाद होते हैं, उसके दांत बर्बाद हो गए। एक मिनट, किसी के दांत में दिलाओ। अरे एक मिनट ये देखे, आपका रूट कनाल होगा। हाँ रूट कनाल होगा अभी यहाँ पे बेगम मेरा तो। अरे एक मिनट रुके, देखे एक मिनट, अरे बात आप एनसेड खाएं, हाँ इस तरफ से जवाना, हाँ इधर से, हाँ ये जो दांत में कुछ चबा नहीं सकेंगे क्योंकि आपके सारे दांत यहाँ यहाँ दिखाऊंगी यहाँ। हाँ वो तो लगा लेना, पर देखो बेचारी, अरे रो नहीं, अल्लाह इसको तो मैं बाद में देखती हूँ, तू तो हट। हाँ जी बेगम बेचारी के दर्द, इसका मुंह इतना मोटा हो गया है, आपका मुंह भी बहुत मोटा होने वाला अभी, आपको पता है, करके दिखाऊं? हैं जी, एक मिनट, ये क्या हरकतें करते फिर रहे हैं आप? बेगम मियां पे हाथ नहीं उठाते, दोजख की आग में जलती बीवी, एक मिनट रुको। हाँ, शोहर तो मर्जी, अरे आप रुके तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों उठा लिया आपने फिर बेगम? किसी के दाढ़ में दर्द हो रहा है, रो रही है बेचारी, दिल में दर्द हो रहा है। मैं तो थप्पड़ के इंतजार में था, कमाएगी बहुत आ रहा जी। पहले टीम बताए मेरी सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन था इनमें, बताइएगा। आज वैसे तो सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है जी, लेकिन चैंपियंस का हमको ज़्यादा मज़ा आया, कुछ क्या कह नहीं सकता। बाकी इंस्टाग्रामर्स का भी बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस, लेकिन एंड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो ये लोग, इन लोगों को आना था और बताना था कि ये अब ये है मेरे साथ, वो चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ी क्लियर नहीं हो सकी थोड़ी सी। बाकी आ तो गए थे एंड में ये लोग, लेकिन बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टाग्रामर्स का स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन तुम लोग एंड उस तरह का नहीं कर पाए हो जिस तरह का होना चाहिए था। फिर बीच में तुम बोल रहे हो कहाँ रह गए, उसको खुद याद होना चाहिए तुम्हारे तीसरे प्लेयर को, यहाँ गलती हुई है। दूसरी चीज़, चैंपियंस जब तक आए थे मुझे लग रहा था चैंपियंस जीत जाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर ही करके गए थे, लेकिन लारेब और जरनाम ने आगे उड़ा दिया, क्योंकि सिचुएशन में जो जो चीज़ें ये ऐड कर सकता था वो सारी चीज़ें, वो उसमें एक कॉमिक फैक्टर भी था, सिचुएशन में पूरा भी उतरे थे और अदाकारी भी अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से 3 पॉइंट्स के हकदार हैं यूट्यूबर्स और 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ, मिलकर हो जाएगा। Waiting for tonight, oh, when you will be here with my arms. Waiting for tonight, oh, I dreamed of this love for so long. Waiting for tonight, oh, oh. Assalamualaikum viewers, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।